दोस्तों, आखिर जीती हुई बाजी कैसे हार गई कांग्रेस? हरियाणा में कांग्रेस की हार का विलन कौन है? आखिर क्या वाकई में बीजेपी को जीत तश्तरी पर परोसकर खुद कांग्रेस ने भेंट कर दी? ऐसे बहुत से सवाल हरियाणा को लेकर अब उठ रहे हैं, जिसको लेकर विवेचना चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा को लेकर लगातार, चाहे यूट्यूब के पत्रकार हो जिसमें मैं खुद भी आती हूँ, टीवी के पत्रकार हो, ओपिनियन पोल एग्जिट पोल करने वाले लोग हों, या फिर योगेंद्र यादव जैसे राजनीतिक रणनीतिकार जानकार हो, सब फेल साबित हो गए दोस्तों। तो सुन, न्यूज 24 के लिए माहौल क्या है शो करते हैं एंकर और रिपोर्टर राजीव रंजन। उन्होंने लगातार हरियाणा में एक बात कही थी कि 45 के बाद से कांग्रेस की टैली शुरू होगी। हरियाणा में पिछले कई दिनों से वो घूम रहे थे, उनसे लेकर तमाम यूट्यूब के पत्रकार जो हरियाणा इलेक्शन कवर कर रहे थे, उनसे लेकर टीवी के पत्रकार जिनसे मैंने बात की, तमाम यूट्यूब में बैठे हुए हरियाणा के कई ऐसे पत्रकार जो 25-25, 30-30 साल से हरियाणा की राजनीति कवर कर रहे हैं, सब गलत साबित हुए। योगेंद्र यादव जो कह रहे थे कि या तो कांग्रेस की हवा है या आंधी है या फिर सुनामी है, वो भी गलत साबित हुए। और ऐसे लोगों से बात करके, ऐसे लोगों की बातें सुनकर और ऐसे कई टीवी और यूट्यूब के पत्रकारों के फ़ोन पे जानकारी लेकर मैंने भी आपको यही बताया कि हरियाणा में कांग्रेस अच्छा करेगी और हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही है। और उसके बाद एग्जिट पोल ने भी उस बात पर सहमति जाहिर की। तो इसीलिए आज ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि सारे के सारे इस तरह के जानकारी रखने वाले लोग गलत साबित हुए और देश की जनता ने एक बार फिर वो मैंडेट दिया जिससे तमाम बड़ी राजनीतिक दलों को और तमाम बड़े रणनीतिकार जानकारों को बैठकर सोचना चाहिए कि आखिर इस चुनाव में गलती क्या हुई। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि एक पार्टी जिसने मध्य प्रदेश की हार अपने सामने मतलब इस तरह से देखी है, मध्य प्रदेश में भी जब आप घूम रहे थे, जब मैं घूम रही थी, तो यकीन नहीं हुआ कि कांग्रेस वहां हार सकती है, लेकिन हार गई। लेकिन ऐसा लगा कि हरियाणा में कांग्रेस उससे सबक लेगी, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लगा जैसे हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस थे। बहुत सी बातें अब कही जा सकती हैं। कल तक जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत का ताज पहना रहे थे, अब हर कोई यही कह रहा है कि हुड्डा इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यह हार है क्योंकि राहुल गांधी ने पूरा चुनाव अपने कंधे पर उठा लिया था। लेकिन मैं ये मानती हूँ दोस्तों कि बीजेपी हरियाणा में बिना मोदी के जीती है और कांग्रेस हरियाणा में बिना राहुल के हारी है। अब इसको मैं आपको तफसील से बताती हूँ। अब भले ही हरियाणा जीतने के बाद प्रधानमंत्री आज शाम को बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं, फिर वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और फिर से न्यूज़ चैनल्स में मोदी मोदी के नारे लगाए जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी ने हरियाणा में 3 दिन पहले ही प्रचार खत्म कर दिया था, वक्त से पहले पैकअप कर दिया था। मोदी जी ने हरियाणा में कोई रोड शो नहीं किया, ले देखे केवल 4 रैलियां की और उनकी उन रैलियों में भीड़ भी नहीं जुटी। को देखने के बाद बीजेपी को ये समझ में आ गया कि उनकी हार निश्चित है। हालत ये हो गई कि आज सुबह जब तमाम न्यूज चैनल वाले बता रहे थे कि रुझानों में कांग्रेस 60+ निकल गई है, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हार स्वीकार कर लिए कहते हुए कि बीजेपी हारती है तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन वो बीजेपी जीत जाएगी, वो भी इतने बड़े मार्जिन से जीत जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था, बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। इसीलिए दोस्तों मैं कह रही हूँ कि ये जो बीजेपी की जीत है वो मोदी के बगैर जीती है बीजेपी, और ये जो हार है कांग्रेस की, ये राहुल की बगैर हारी है। क्यों? क्योंकि राहुल तो चुनाव प्रचार के बिल्कुल आखिरी के 3 दिन आए, उन्होंने उसके बाद अपनी यात्रा की, तमाम रैलियां की, और वो उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी जनसभाएं की। तो राहुल और प्रियंका आए लेकिन बहुत लेट में आए। लेकिन फिर भी दोस्तों ये वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला है। आप देखिए, अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है कि बीजेपी 51 सीटों में अभी भी आके 51। 2014 में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई थी तो 47 सीटें आई थी। मतलब बीजेपी की लहर चल रही थी, अंडर करंट लहर चल रही थी और इसको कोई नहीं पकड़ पाया। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा तो है नहीं कि केवल टीवी के पत्रकार दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, यूट्यूब के भी बड़े बड़े पत्रकार जो कि फील्ड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं वो भी यही दिखा रहे थे अपने पब्लिक ओपिनियंस में कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो सब गलती कैसे कर गए? दोस्तों गलती ये हो गई कि हर कोई जब माइक आगे करता है तो ये उम्मीद करता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। लेकिन अब जो वोटर है हमारे देश का वो बहुत होशियार हो गया है, वो माइक में कुछ और बोलता है और ईवीएम मशीन में कहीं और का बटन दबाकर आ जाता है। होता क्या है दोस्तों कि जाट एक बहुत ही आर्थिक और सामाजिक तौर पर संपन्न समाज है हरियाणा में, और गांव देहात में
जो जाट परिवार हैं, जो जाट घर हैं, उनके समाज में, उस गांव में बड़ी प्रतिष्ठा होती है, और जो गैर जाट लोग होते हैं उस समाज के, उस गांव के, वो अमूमन उनके प्रभाव में होते हैं। तो दोस्तों, कई ऐसी खबरें जब आई कि बीजेपी के उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि वो गांव में ना घुसने देने वाले वो वोट बैंक को जिनसे बीजेपी बहुत उम्मीद कर रही थी, जाट वोट बैंक, नॉन जाट ने उनको, उनका विरोध तो नहीं किया लेकिन चुपचाप जाके बटन दबा दिया। जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स जो बीजेपी ने खुलेआम की इस पूरे चुनाव में, इसमें तो कोई दोराई नहीं कि उसने की, वो काम कर गई। अब इसको हमें स्वीकार करना होगा क्योंकि यही जनादेश है। और जो कांग्रेस पूरी की पूरी रणनीति हुड्डा परिवार के इर्द गिर्द घूम रही थी, वो बिल्कुल नहीं चली। अब खबर ये भी आई है दोस्तों कि जब कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए और ऐसे कुछ और बातें भी कहीं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से उठकर चले गए। इस पूरे चुनाव में सब जानते हैं हरियाणा के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टिकटों का बंटवारा हुड्डा परिवार के कहने पर किया गया है, और उसके बाद वो कितने अपने कैंडिडेट को जिता पाए सब जानते हैं। 36 बिरादरी के समर्थन की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी, 3600 सीट भी नहीं जीत पाई कांग्रेस पार्टी, और ऊपर से चुनाव खत्म हो ही नहीं थे कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स, कांग्रेस के बड़े नेता अपने को सीएम उम्मीदवार घोषित करने लगे थे। दीपेंद्र हुड्डा हर रैली में, अपनी हर सभा में अपने पिता के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, और कुमारी शैलजा ने तो वोटिंग खत्म होने के बाद तक अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। आज सुबह तक कुमारी शैलजा अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रही थी। बहुत से लोगों ने, मैं भी आती हूँ, उन्होंने ये माना, ये मैसेज दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि कुमारी शैलजा को जानबूझकर चुप नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी से मिलने के बाद भी कुमारी शैलजा बोलती रही, ताकि ये मैसेज जाए दलित वोटर के बीच कि उनका जो कैंडिडेट है या उनका जो बड़ा नेता है वो सीएम बन सकता है। लेकिन ये सारी रणनीतियाँ काम नहीं की। अब कितने दलितों ने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को या कितने जाटों ने वोट दिया, इसके बारे में तो चर्चा की जा सकती है, लेकिन इस बात पर अब चर्चा होनी चाहिए दोस्तों कि जो चुनावी विवेचना पिछले एक महीने से हरियाणा इलेक्शन को लेकर की जा रही थी वो सब धराशायी हो गई। अपने मुद्दे जनता ने खुद बनाए। वो लोग जो कह रहे थे किसान, जवान, पहलवान पर वोट पड़ा, ये हो सकता है दोस्तों कि ये तीन मुद्दे आज भी हरियाणा के मुद्दे हों। बेरोजगारी तो आज भी हमारे देश में मुद्दा है ना, महंगाई आज भी हमारे देश में मुद्दा है, किसान आंदोलन आज भी हमारे देश में मुद्दा है, किसानों की अनदेखी आज भी मुद्दा है, लेकिन क्या उस मुद्दे पर वोट पड़ेगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। क्या वो मुद्दा इतना बड़ा बन सकता है कि उस पर कोई पार्टी चुनाव जीत जाए या हार जाए, ये भी कहना जल्दबाजी होगी। इस बात पर भी कोई दो राय नहीं दोस्तों कि नायाब सिंह सैनी की भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कि सैनी साहब को सुबह तक ये लग रहा था कि उनकी पार्टी हार रही है, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। मोदी ने रैलियां नहीं की, पार्टी नेतृत्व ने एक तरह से अपने आप को पीछे खींच लिया चुनाव से, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का मैनेजमेंट नहीं चूका। बीजेपी जो बूथ लेवल पर मैनेजमेंट कर रही थी वो वैसा ही करती रही, लगातार संघ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था, संघ ने भी पूरा सपोर्ट किया, और बीजेपी ने एक हारा हुआ चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीत लिया। बल्कि अब तो मैं कहूंगी कि बीजेपी का अंडरकरंट चल रहा था। अब ये बात सही है कि कांग्रेस को बैठकर अब सोचना चाहिए कि हरियाणा में भविष्य की राजनीति वो कैसा करेगी। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि हरियाणा भी मध्य प्रदेश और गुजरात बनकर रह जाए जहां बीजेपी को लेकर गुस्सा हो तो भी जनता बीजेपी को ही चुने, क्योंकि बीजेपी के अलावा कोई विकल्प ही ना है। क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में सत्ता में ना रहने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं को और हरियाणा को यही संदेश दिया कि उनके पास एक ही नेतृत्व है और वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस चुनाव में भी वही संदेश गया, लेकिन वो संदेश काम नहीं आया। हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी के लिए भी अच्छा नहीं है दोस्तों, ना पार्टियों के लिए अच्छा है, ना इंसान के लिए अच्छा है, और ना ही किसी नेता के लिए अच्छा है। ये कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी किया था, ये कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में भी किया था। और एक पत्रकार के तौर पर दोस्तों, ये मेरी भी गलती है कि तमाम हरियाणा के बहुत प्रबुद्ध और बड़े बड़े पत्रकारों की बात समझकर, उनकी बात सुनकर, अखबारों में जो छप रहा था वो पढ़कर, इसके अलावा हरियाणा के कई ऐसे पत्रकार भी हैं जिनसे मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, जानकारी ले रही थी, उनकी बात पर मैंने विश्वास किया। वो लोग जो दावा कर रहे थे कि वो हरियाणा की पत्रकारिता को 30 साल से 35 साल से कवर कर रहे हैं, उन्होंने यही बताया कि हरियाणा में माहौल ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग भी हरियाणा की जो अंडरकरंट था उसको भांपने में नाकामयाब रहे। और मैं फिर अपनी बात पर कायम हूँ कि ये जीत बीजेपी की बिना मोदी की जीत है। आज भले ही, क्योंकि
हरियाणा बीजेपी जीत गई है तो मोदी के सर पर ये ताज पहनाया जाएगा, लेकिन किसी भी हाल में हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मोदी कहीं नहीं थे हरियाणा में। और ये हार दोस्तों कांग्रेस की अपनी खुद की हार है, जिस पर बैठकर उसको अगर उसने मंथन नहीं किया तो आने वाले चुनाव में उसको बहुत भारी पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का मोराल गिरा था वो हरियाणा चुनाव से रफू हो चुका है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मोराल फिर से वही हो जाएगा जो लोकसभा चुनाव के दौरान था या उससे पहले था। दूसरा, कांग्रेस की हार के बाद अब उसे झारखंड और महाराष्ट्र में बहुत रस्साकशी करनी पड़ेगी अपने गठबंधन के साथियों से। हो सकता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन का प्रारूप और स्वरूप ही बदल जाए। अब कांग्रेस को इस बात को लेकर समझना पड़ेगा कि क्या पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा या फिर आप स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा करेंगे, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व ने पहले मध्य प्रदेश में मायूस किया और उसके बाद हरियाणा में मायूस किया। आप हरियाणा में इस तरह के नतीजों का किस तरह से विश्लेषण करते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।